you make for your sake. I will take it as a first step. अरे दीदी, जानू घुस गया गधे की गांड में। पहले तुम ये बताओ, तुमने ये दुद्दू कैसे बड़े किए? बाल चीजें वे खुद दबाती हो या फिर बाहर से दबवाने के लिए चार पांच आदमी बुलवाती हो? हमको नहीं पता। भेंडचो, तुम्हारे ये गांड और संतरे देखकर यहाँ हमारे झुके हुए एंटीने के अंदर शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है। उसके बाद तुम तो चली जाती हो ये गांड और संतरे दिखाकर, फिर उसके बाद भेंडचो हमें दीवारों के अंदर टक्करें माननी पड़ती है। अरे भाई साहब, ये कोई ब्यूटी क्वीन नहीं है, ये तो भेंडचो दूध की मशीन है। बात तो सही है। देख नहीं रहे दीदी के संतरे कितने बड़े बड़े हैं? मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि भेंडचोद अगर दोबारा लॉकडाउन भी लग गया तो कोई गरीब आदमी भूखा नहीं मरेगा। सारे गरीब आदमियों को दीदी अपने छाती से लगा लगा कर दूध पिलाएगी। और दीदी, अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रही हो तो लॉकडाउन में मेरा भी ध्यान रखना, मैं भी भेंडचोद एक गरीब आदमी हूँ। और कमेंट करके मुझे बताओ कि कितने ऐसे आदमी है जो दीदी का दूध पीने के लिए गरीब बनने के लिए भी तैयार है।